जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी आगामी 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोड शो करने वाले हैं। इस दौरान राहुल गांधी वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। प्रियंका गांधी के शामिल होने के निकाले जा रहे कई राजनीतिक मायने, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के रोड शो में शामिल होने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसको आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद खास माना जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चंदौली से वाराणसी पहुंचेगी। इस दौरान उनका रोड शो निकाला जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। राहुल गांधी का काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम भी निर्धारित है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राहुल गांधी अखिलेश यादव रोड शो में कहीं ना कहीं साथ नजर आ सकते हैं। इससे पहले वो दोनों यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में एक साथ वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने गिरजाघर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक रोड शो निकाला था। कई मायनों में देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है और यहाँ पर राहुल गांधी का रोड शो और साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह है कि इस सीट पर कितना प्रभाव राहुल गांधी छोड़ पाते हैं।